चलिए जानकारी आ रही है गुरुग्राम के एसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। नहीं, पुलिस के पास जितने भी सेंसिटिव जोन्स बने हुए थे, जैसे ही नू और मेवात के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, तो गुड़गांव पुलिस, क्योंकि उसके साथ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव पुलिस के द्वारा बिल्कुल संवेदनशील जितने भी ऐसे इलाके थे वहां पर सभी हैवी से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। इसको हायर अथॉरिटीज द्वारा क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा था, लेकिन इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो सामने आई हैं पिछले दो दिनों के अंदर, वो डीएस्केलेट हो गई हैं। जो कि 31 को जितनी घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जो सोना के अंदर 5 FIR रजिस्टर्ड हुई थी। सर एक मिनट, इसकी मस्जिद की बात करते हैं। मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मी तैनात थे, हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी, कैसे कंडीशंस बनी कि वहां पे सो रहे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, चाकू से हमला किया गया, उसकी हत्या तक कर दी गई? नहीं, वो सभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जैसी सूचना मिली पुलिस उस मौके पर पहुंची है और लोग वहां से भाग चुके थे, जिस दौरान जितने भी सस्पेक्ट वहां पर लोकल, जितने भी सीसीटीवी की मदद से या जो आई विटनेस की मदद से हम जितने लोग पहचान कर सकते थे, जल्द से जल्द पुलिस ने कोशिश करी उन लोगों को डिटेन करी, अप्रिहेंड करा, और 4 व्यक्ति विशेष जिनका मैंने आपको नाम बताया है उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी। और जितने भी लोग हैं, ये स्पष्ट संदेश हम देना चाहते हैं, जितने भी लोग इस प्रकार की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। मैं आपको गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर आप बिलीव ना करें। गुड़गांव पुलिस की तरफ से आपको स्पेशल अपील करी जाती है कि गुड़गांव में सभी सारी स्थिति नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। किसी भी प्रकार का जो रूमर्स फैलाया जा रहा है कि ऑफिस बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम है या डिलीवरीज नहीं हो रही, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गुड़गांव में विद इन गुड़गांव और आउटसाइड गुड़गांव रूट्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ट्रैफिक स्मूथली मूव कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पिछले कुछ दो दिनों के अंदर कुछ छुटपुट घटनाएं और वारदातें हुई हैं, उसके तहत गुड़गांव पुलिस द्वारा सख्ताई से कार्रवाई करते हुए, हैवी डिप्लॉयमेंट करते हुए संवेदनशील एरियाज के अंदर कार्रवाई करी गई है, FIRs रजिस्टर्ड करी जा रही है, और जो भी अगर कंप्लेंट देना चाहता है तो 112 जो गुड़गांव पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर है, 112 के माध्यम से आप कंप्लेंट दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी। किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर पर डायल करके आप मदद मांग सकते हैं। सर, बीते रात 2 घंटे के भीतर 6 जगह पर आग लगने की घटना हुई, क्या कुछ सूचना मिली किस वजह से आग लगी है और कोई गिरफ्तार भी हुआ? जो 1 अगस्त की हम बात करें तो 4 घटनाएं हमारे पास रिपोर्ट हुई है और जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी इस बारे में। वो छोटे छोटे कुछ लड़के ग्रुप्स बना के घूम रहे हैं, जो किसी अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, पुलिस उनकी मदद के लिए और उनकी जान और माल की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैनात है। वो छोटी मोटी जो 4 घटनाएं जो रिपोर्ट हुई हैं उसके तहत कार्रवाई करी जा रही है, उनकी पहचान करी जा रही है, कुछ लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा और कानून के तहत जायज और प्रॉपर कार्रवाई कार्रवाई करी जाएगी। प्रवासी मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जो खोमचे वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो मीट शॉप वाले हैं, तो गुड़गांव पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ करने जा रही है? पिछले दो दिनों के अंदर देखा गया है कि खासकर जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है, और खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के र्यूमर्स फैलाए गए हैं उसको गुड़गांव पुलिस कंडेम करती है। लेकिन इस बारे में जरूर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति विशेष है तो वो तुरंत किसी भी प्रकार से, उसको अगर किसी बात का भय लगता है, डर लगता है, तो 112 नंबर पर डायल करके पुलिस से मदद ले सकते हैं। उसके अलावा मैं अपडेट करता हूँ, साथ साथ कुछ लोगों के पास हमारी इन्फॉर्मेशन आई कि उनके मन में डर और भय का जरूर ये था, भाव था कि गुड़गांव में उनकी स्थिति किसी प्रकार से अगर उनको डर लगता है तो शायद उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, तो गुड़गांव पुलिस उनको विश्वास दिलाती है और हमने काफ़ी ऐसे लोगों को विश्वास दिलाया है पर्सनल तौर पे भी कि इस प्रकार से किसी को अपना घर छोड़ के जाने की, दुकान और अपना काम छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव में स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, साधारण है, किसी प्रकार से भी अगर किसी को डर या भाव ऐसा कुछ किसी के मन में लगता है वो तुरंत प्रभाव से गुड़गांव पुलिस में किसी भी माध्यम से अब गुड़गांव पुलिस को संपर्क कर सकता है। गुड़गांव पुलिस तुरंत प्रभाव से उसकी जानो माल, उसकी सभी संपत्ति और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसकी जानो माल की सुरक्षा के लिए। सर, आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, आह्वान किया है, उसको लेकर गुड़गांव पुलिस कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? दल जो थ्रू आउट इंडिया उन्होंने जो ये विरोध प्रदर्शन करने का और मेमोरेंडम देने के लिए, विज्ञापन देने के लिए जो उन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही है, उस संबंध में संबंधित हमारे आला अधिकारी सभी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे संपर्क में है और कोशिश है कि किसी प्रकार की भी कोई गैर जो गतिविधि है इस तरीके अंदर कोई संलिप्त ना हो जाए, ऐसी कोई गतिविधि को अंजाम ना दिया जाए, क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है। और गुड़गांव पुलिस द्वारा लगभग 2850 आदमी
जो आउट ऑफ वे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गुड़गांव में डिप्लॉयमेंट करी गई है वो पुलिस तैनात है, और एक्सक्लूसिवली कॉम्युनल राइट्स ना हो कहीं पर इस प्रकार की गतिविधियों को रोक लगाया जा सके, उसमें लगभग 2100 से 2200 के आसपास की जो फोर्स है हमारी गुड़गांव पुलिस के अंदर तैनात है। और आपको बता दिया जिस प्रकार से मेवात के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, नूह के घटनाक्रम के दौरान होते ही, क्योंकि गुड़गांव एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव से कम 2 से 3 कंपनियां फोर्स जो गुड़गांव की पुलिस की फोर्स थी वो वहां पर मेवात में रिपोर्ट करा उन्होंने, वहां की वो जो वायलेंस हुआ था, कम्युनल वायलेंस जो वहां पर हुआ था उसको रोकथाम करने में नूह और मेवात पुलिस की मदद करी। लेकिन अब डेट जो कंपनी है लगभग हमारी 115 से 120 आदमी हमारे DCP क्राइम साहब के साथ मेवात में अभी भी डेप्यूटेड हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं। तो ये हमारी जो फोर्स लगी हुई है इसके बारे में संक्षिप्त विवरण था आपके लिए। नहीं, पलायन के लिए हम इसको कंडेम करते हैं, कुछ लोग अगर अपनी मर्जी से अगर छोड़ के गए हैं तो उसके बारे में भी हम अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम आप सबसे अपील करते हैं जितने भी मुस्लिम समुदाय के या हिंदू समुदाय के लोग जिनके मन में किसी भी प्रकार का भय या भावना इस प्रकार की आ रही है उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, गुड़गांव पुलिस के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रकार की किसी भी फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही है किसी भी प्रकार से आप उनके ऊपर विश्वास ना करिए। गुड़गांव पुलिस बिल्कुल तुरंत प्रभाव से आपको मदद देने के लिए पहुंचेगी और आपके साथ है। ऐसी कोई स्थिति गुड़गांव के अंदर नहीं है जिस वजह से आपके अंदर डर हो। गुड़गांव में अगर आप रूटीन में घूमें तो सारी जगह बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का ट्रैफिक है, ऑफिस खुले हैं, स्कूल्स स्टार्ट हो गए हैं, किसी चीज के ऊपर कोई रोक नहीं है। आपको डरने की और किसी भी प्रकार का भय की जरूरत नहीं है। मानेसर के दौरान सर जो पुलिस कर्मचारी जो घायल उनकी स्थिति क्या है? गुड़गांव के अंदर सिर्फ एक ही घटनाक्रम हुआ है जिसके अंदर 2 व्यक्तियों को जो चोट आई थी, जिसमें जो मौस के अंदर एक की डेथ हो गई थी और एक को जो जिसके पैर में गोली लगी थी उसके साथी को, उसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा गुड़गांव के अंदर किसी भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा गुड़गांव के अंदर कोई भी मारपिटाई या किसी का ऐसी कोई घटना नहीं आई कि किसी पुलिस वाले के गुड़गांव के अंदर किसी पुलिस वाले के साथ, किसी पुलिस ऑफिशियल्स के साथ या किसी पब्लिक मैन के साथ एक उस घटनाक्रम को छोड़ के कोई ऐसी वारदात का रिपोर्ट नहीं हुआ जहां पर किसी को कोई चोट आई हो। कितनी सहायता राशि? तो गुड़गांव ACP की प्रेस कॉन्फ्रेंस नूह हिंसा को लेकर और असर इसका गुरुग्राम में कितना पड़ा है उसको लेकर भी ब्रीफिंग जो है वो यहाँ मीडिया के सामने दी जा रही है।